आज मैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है डेल 790। हम इसको लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपका और हमारा साथ रहेगा, तो देखते हैं सबसे पहले हम इसमें क्या खराबी है। इसको हमने पावर भी ऑन किया, इसको जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो अगर डिस्प्ले नहीं दे रहा तो सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है, हम इसमें इसकी रैम से चेक करेंगे कि आया रैम तो ख़राब नहीं है। एक एक रैम करके पहले हम एक रैम निकालेंगे, इसमें दो 2 GB की रैम लगी हुई है, इनको चेक करेंगे हम सबसे पहले। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस बनाएं तो आप हमें लाइक शेयर करें, बल्कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मेहनत आप देख रहे हैं। दूसरी रैम निकालने पे भी इसने डिस्प्ले नहीं दिया, तो अब हम रैम निकाल के देखते हैं कि बोर्ड फॉल्टी तो नहीं है। फिर हमने दूसरी रैम भी निकाली, अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। क्योंकि बीप दे रहा है इसका मतलब है इसका मदरबोर्ड सही है और इसके डिस्प्ले फॉल्टी आ रहा है। तो अब हम इसमें वीडियोग्राफिक कार्ड लगा के देखेंगे उससे डिस्प्ले आता है या नहीं। ये सबसे पहले हमने जो रैम निकाली थी उनको लगाते हैं। ये हमारे पास वीडियोग्राफिक कार्ड, ये आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ चुका है। इसमें वीडियो ग्राफिक कार्ड का जो है मसला था जो कि हल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के मज़ीद वीडियो बनाएं तो अगली बात आप समझते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत शुक्रिया लोगों को देखने का।